हे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं V4 वीडियो। तो रिसेंटली मैंने बजाज का ये वाला नया कूलर लिया था जो कि आता था HoneyComb पैड के साथ। फिर मैंने जब इसे यूज़ करना शुरू किया तभी मुझे एहसास हुआ कि इसकी हवा थोड़ी कम ठंडी है और ठंडी भी हो सकती थी। तो कूलर की कूलिंग डिपेंड करती है उसके इवेपोरेशन पर। जितना अच्छी तरीके से इवेपोरेशन होगा उतनी ज़्यादा कूलिंग होगी। तो मैंने HoneyComb पैड वर्सेस घास का एक्सपेरिमेंट करने की सोचा और फिर उसके बाद जो रिजल्ट निकला वो वाकई में चौंका देने वाला था। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने स्टार्ट किया था 17 तारीख को रात के 10:40 पे। और ये देखो, रात का समय था और कूलर चल रहा है HoneyComb पैड पे, और मैंने कूलर पे पहले से ही थर्मामीटर लगा दिया था और इससे जो हवा आ रही थी उसका तापमान था 29 डिग्री सेल्सियस। 29 और 30, हम लोग 30 कह सकते हैं, तो 30 डिग्री की हवा आ गई थी। और उसी समय पे ये देखो, हमारा टिन वाला बड़ा कूलर जो हवा दे रहा था उसका तापमान था 25.5 डिग्री सेल्सियस। ये देखो, तो इससे मालूम चलता है कि हमारे बड़े कूलर और छोटे कूलर के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो पूरे के पूरे 4 डिग्री के ऊपर है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है 4 डिग्री, जबकि छोटे कूलर को भी इसी के आसपास हवा देना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो तो दे रहा था 30 के आसपास हवा। तो अब बारी थी हमारे छोटे कूलर से HoneyComb पैड हटाने की और उसकी जगह उसमें घास लगाने की और फिर से दोबारा रात को रीडिंग लेके चेक करने की। तो ये मैंने घास लगा दिया है और ये देखो, रात का समय है और हमारा बड़ा टिन वाला कूलर इस समय हवा दे रहा है 24 डिग्री सेल्सियस की, 23.9, हम लोग 24 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और अभी हम लोग चलते हैं हमारे छोटे कूलर के पास जिसमें कि मैंने लगा रखा है अपनी घास, और देखेंगे कि रीडिंग में अभी कितना डिफरेंस आता है। पहले जो आया था वो था 4 से 5, अभी कितना आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये घास पे ही चल रहा है, और यहाँ पे हमारे HoneyComb पैड आराम कर रहे हैं और हमारा कूलर हवा दे रहा है 24.4 डिग्री सेल्सियस की, यानी कि अभी अंतर एकदम ना के बराबर हो गया है। मतलब जो अंतर पहले 4 डिग्री था वो अभी घट के 0.4 हो गया है, यानी कि 10 गुने से भी कम। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस हुआ रात के समय HoneyComb पैड हटा के घास लगाने पर हमारे छोटे कूलर में। तो रात के समय यहाँ पे डायरेक्ट विनर हुआ हमारा घास। घास लगे होने पर कूलर ने HoneyComb पैड से भी ज़्यादा ठंडी हवा दी। तो ये तो रात के लिए एक्सपेरिमेंट हो गया, अभी दिन में करना बचा था। तो एक बार मैंने दोबारा ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, लेकिन अभी टाइम था दिन का और बाहर का तापमान है 30.7 डिग्री सेल्सियस, और हमारे टिन वाले कूलर से निकलने वाली हवा का तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस। तो बड़ा कूलर तो भाई दैत्य होता है टिन वाला, और हमारे बजाज के छोटे कूलर में जिसमें कि मैंने घास लगा दी थी इससे निकलने वाली हवा का तापमान भी हम लोग देख लेते हैं कितना आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये घास पे ही चल रहा है, बहुत मेहनत से घास लगाई थी मैंने इसमें। तो ये देखो, इससे जो हवा आ रही है इसका तापमान है 25.4, यानी कि बड़े कूलर की तुलना में मात्र 0.4 डिग्री कम। तो भाई दिन में भी हमारी घास छोटे कूलर में कमाल धमाल मचाया है, केवल 0.4 का डिफरेंस ही आया। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, जब भी हम लोग इस कूलर में वापस से HoneyComb पैड लगा देंगे फिर तापमान में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अभी दिन का मामला भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए
तो मैंने घास निकाल दी है और वापस से हनीकॉम्ब पैड लगा दिया है। ये देखो, तो चलिए रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। बाहर का तापमान 32 पहुंच गया है। और इसे लगा देते हैं अपने छोटे कूलर में हनीकॉम्ब पैड के साथ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस समय हनीकॉम्ब पैड पे ही चल रहा है। तो इससे निकलने वाली हवा का तापमान अभी हो गया है 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि पिछले वाले के मुकाबले 2 डिग्री ज़्यादा है। तो हनीकॉम्ब पैड लगाने से हवा का तापमान 2 डिग्री बढ़ गया है। तो चलिए अभी बारी है हमारे बड़े कूलर से हवा का तापमान देखने की। दोस्तों ये देखो, छोटे कूलर की हवा का तापमान बढ़ गया, लेकिन अभी भी बड़े कूलर की हवा का तापमान 25 ही है। तो यहाँ पे साफ साफ देखने में मालूम चल रहा है कि हमारे छोटे कूलर में हनीकॉम्ब पैड लगाने पर उसकी हवा का तापमान 2 डिग्री बढ़ गया, और बड़ा वाला कूलर 25 पे पहले भी चल रहा था और 25 पे अभी भी चल रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए ये तो मालूम चल ही जाता है कि हाँ, कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका हनीकॉम्ब पैड आपके घास की तुलना में कम ठंडी हवा दे। और आप लोग चाहें तो आप लोग खुद भी अपने घर पे ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं थर्मामीटर, हनीकॉम्ब पैड और घास की सहायता से। मैं थर्मामीटर की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके खरीद सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे।